बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म में संजय दत्त ने नकली डॉक्टर गुंडे का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की थी। मुन्ना भाई MBBS में संजय के साथ अरशद वारसी की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म में मुन्ना सर्किट की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। मुन्ना भाई MBBS में एक ऐसा भी किरदार था जिसे संजय दत्त ने सबसे पहले जादू की झप्पी दी थी। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में झाड़ू पोछा लगाने वाले दादा यानी एक्टर सुरेंद्र राजन की। सुरेंद्र को बॉलीवुड में शायद कोई नाम से नहीं जानता है, उन्हें सिर्फ उनके चेहरे से ही लोग पहचानते हैं। सुरेंद्र ने अब फिल्मों से दूरियां बना ली हैं। सुरेंद्र ने अपने एक्टिंग करियर में लगभग 70 फिल्में की हैं। सुरेंद्र एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ चित्रकार फोटोग्राफर भी हैं। सुरेंद्र का रहने का तरीका बाकियों से अलग है। उनके रहन सहन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो इतने बड़े कलाकार हैं। सुरेंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें पैसों के पीछे भागना अजीब सा लगता है। लेकिन इन दिनों सुरेंद्र कहाँ हैं, किस हालात में हैं, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं इन दिनों सुरेंद्र हैं कहाँ। 75 साल की उम्र में सुरेंद्र सब कुछ छोड़कर हिमालय में जा बसे हैं। हिमालय जाने का फैसला उन्होंने 40 साल की उम्र में ही ले लिया था। सुरेंद्र पिछले 4 साल से हिमालय के रुद्रप्रयाग जिले के सबसे आखिरी गांव खुनु में रहते हैं। पिछले 10 साल से उन्होंने न तो अखबार पढ़ा है न टीवी देखा है। यहाँ वे एक फौजी के कच्चे घर में किराए से रहते हैं। अब भी सुरेंद्र के पास फिल्मों के ऑफर आते हैं, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है।